दिल्ली से लौटने पर शिमला में मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व से कई विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें मंत्रियों और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर भी चिंतन किया गया है, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर तैयारियां किस तरह से करनी है इस पर भी चर्चा हुई है। साथ ही हिमाचल में होने वाले मंडी लोकसभा सहित फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई उपचुनाव को लेकर भी सरकार तैयार है। चुनाव आयोग जब भी घोषणा करता है चुनाव भाजपा जीतेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कोरोना कर्फ्यू में छूट पर विचार के साथ बसें चलाने पर विचार किया जाएगा, क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू चलाने के लिए लगातार मांग उठ रही है, तो मंत्रिमंडल की बैठक में सभी चीजों को तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंडी हवाई पट्टी के अलावा राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर भी केंद्र से बातचीत करने व उसके सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद जाहिर की। हिमाचल में स्पीति के पास बॉर्डर पर चीन द्वारा किए जा रहे निर्माण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि सारी स्थिति से गृह मंत्री व रक्षा मंत्री को अवगत करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र द्वारा 18 से 44 साल के लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ वैक्सीन पर राजनीति कर रहा है, जबकि मोदी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बरसे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सोशल मीडिया सब चंडू खाने की खबरें देता है। 2022 तक मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। वहीं पर्यटन नगरी डलहौजी के नाम को बदलने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह का अभी कोई विचार नहीं है, न ही ऐसा कोई प्रस्ताव उनके पास आया है। उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी कोई मंशा भी नहीं है। तो जो वॉकर हॉस्पिटल है, ये वॉकर हॉस्पिटल अगर हिमाचल प्रदेश सरकार को देने का कुछ निर्णय हो जाए तो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो मेडिकल कॉलेज IGMC है उसके साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये, और उसका एक लाभ रहेगा। उस दृष्टि से भी एक आग्रह किया है उनके सामने, अपना प्रस्ताव अपने का हमारी स्टोरेज कैपेसिटी हम आने वाले समय के लिए बढ़ाना चाह रहे हैं, उस दृष्टि से वो हमको उसमें सहयोग करें। तो उन्होंने कहा है कि हम लगभग 1000 डी टाइप सिलेंडर हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध करवाएंगे ताकि हम ऑक्सीजन की स्टोरेज के लिए जो है वो बेहतर ढंग से काम कर सके। और इसके अतिरिक्त और भी विषयों पर उनसे बातचीत हुई है। केंद्रीय मंत्री जो नागरिक उड्डयन का ये डिपार्टमेंट देखते हैं पुरी जी, तो उनसे भी बातचीत हुई और उनसे विशेष तौर से फील्ड एयरपोर्ट के लिए फील्ड एयरपोर्ट के साथ में कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन, इन सारे विषयों पर डिटेल में बातचीत हुई है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मंडी के लिए कार के विषयों पर हमेशा बातचीत होती रहती है, क्योंकि उनका ताल्लुक हिमाचल से है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल की छोटी बड़ी बात के बारे में वो जानकारी रखते हैं। अच्छी डिटेल में बातचीत इस दृष्टि से हुई। शिमला से अनिल कुमार शर्मा की रिपोर्ट।